की बात करें कि जैसे कि अश्विनी ने बोला कि कई बार ऐसे मुद्दे उठते हैं और हम फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो है सिर्फ पीछे से देखते रहते हैं और पीछे से सपोर्ट करते रहते हैं और चुपचाप सपोर्ट करते रहते हैं अपने मन में, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि उड़ता पंजाब के साथ, चाहे वो डायरेक्टर एसोसिएशन है, चाहे वो प्रोड्यूसर एसोसिएशन है या फिल्म इंडस्ट्री है, सब लोग खड़े हुए हैं। मैं उड़ता पंजाब का एक छोटा सा पार्ट हूँ। मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो इस स्क्रिप्ट ने मुझे हिला डाला था, और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ते ही अपना पहला ट्वीट किया था कि व्हाट इज सुपर्ब स्क्रिप्ट। तो कई स्क्रिप्ट कॉमेडी होती है, कई ड्रामेटिक होती है, कई इन्वेस्टिगेटिंग होती है, कई पिक्चर ऐसी होती है जो रियलिज्म को दिखाती है कि आपके भारतवर्ष में क्या हो रहा है। ये फिल्म एक ऐसी है जो पंजाब की दशा को बताती है, जो कि वहां पे एक बहुत बड़ी समस्या है और एक मेनेसिंग और अटैकिंग प्रॉब्लम है वहां पर। क्या ये बात पहले कभी नहीं गई या कही गई थी 2012 में या 2013 में या 2014 में? या इसका डेटाज नहीं है इसके कि क्या ड्रग मिलेज का क्या इफेक्ट हो रहा है वहां पर? क्या लोगों को नहीं पता था, या सरकार को नहीं पता था, या वहां के लोगों को नहीं पता था? जब ये पिक्चर शूट हो रही थी तब सब लोगों को पता नहीं था कि उड़ता पंजाब एक्चुअली इस प्रॉब्लम के ऊपर अपनाई जा रही है। तो सडनली ये बात क्यों? ये अपने आप को सेंसरशिप एक ऐसी पिक्चर पे लगा देना और उसके इतने कष्ट देना और उसके उसके ऊपर ये कहना पंजाब नाम ही निकाल दो, तो ये तो बस अपति हो गई है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा प्रहार है एक क्रिएटिव फ्रीडम पे, फिल्म मेकर्स पे, और स्पेशली इस फिल्म पे, जो कि एक बहुत खूबसूरत फिल्म है, जो कि एक समस्या को बताती है और उसका समाधान करने की कोशिश करती है। तो ये हमारी बड़ी दुखद, हमारे साथ जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, और हम सब साथ हैं अनुराग के साथ, एकता के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, सब जितनी फिल्म के जितने लोग हैं, और हम सब लोग यहाँ खड़े हैं। वी आर ऑल विद यू अनुराग। I request